स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हमारा तो न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ चल रहा है बीएससी बीए के लिए। उसके हमारे नेक्स्ट टॉपिक ब्रिज बेटा मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे हर बार अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। तो इसके सबसे पहले हम आज इसके वर्किंग रूल के ऊपर बात करेंगे। वर्किंग रूल इसका बहुत ही छोटा और सबसे ईजी मेथड है ये हमारा, ठीक है। ये मेथड किस लिए यूज होता है? यूज टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ हमारा, जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाए थे, बाई सेक्शन मेथड्स पढ़ाया था आपको, न्यूटन रैप्सन मेथड्स पढ़ाया है आपको मैंने, और ब्रिज बेटा मेथड भी आज पढ़ रहे हैं हम लोग, और आगे आने वाले मेथड में हम और पढ़ेंगे सारे मेथड। ये सारे क्या हैं? अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करने के लिए मेथड है हमारे। ये किसका निकलेगा? इससे किसका निकाल सकते हैं? एक नॉन लीनियर इक्वेशन का हम रूट फाइंड कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? एक नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं ओनली हम ब्रिज बेटा मेथड से, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था हमारा। दूसरा क्या है? वन इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट वुड गिवन इन द क्वेश्चन टू स्टार्ट द सॉल्यूशंस। ये बोल रहा है कि कुछ क्वेश्चंस में हमें क्या है कि 70% क्वेश्चंस में हमें क्या देता है कि रूट हमें गिवन दे देता है। इसके लिए हमें एक ही रूट चाहिए, जैसे न्यूटन रैप्सन में हमें एक एक्स जीरो इनिशियल रूट चाहिए था, तो इसके लिए भी हमें एक इनिशियल रूट चाहिए बस। उसके बाद हमारे सारे रूट ऑटोमेटिक निकलते रहेंगे फॉर्मूले के द्वारा, हमें इसमें एक इनिशियल रूट चाहिए। तो कुछ क्वेश्चनों में तो हमें स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चंस को गिवन दे देगा, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में हमें गिवन नहीं देगा। तो उस केस में ये तो पॉइंट यहाँ तक का तो ये हो गया कि हमें वन रूट दे दिया, और फाइंड द रूट व्हेन रूट आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन। रूट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे उस केस में? मान लो हमारा इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिया रहेगा, हमारा इस प्रकार की इक्वेशन, एक नॉन लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा हमारा, तो हम इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम स्टूडेंट कैसे करेंगे? जैसे हम पहले निकालते आए थे x की वैल्यू क्या क्या ले लेंगे, 0, 1, 2, 3, फिर एफ एक्स में पुट करके देखेंगे सेम वैल्यू। अगर हम 0 पुट कर रहे हैं इधर तो हमारी कितनी वैल्यू आ रही है? -3। अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 + 1 - 3, तो इधर से कितनी आ रही है हमारी? -1। अब इधर इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 × 2 = 4, 8, 8 + 2 - 3, तो 10 -3 कितना हो गया? 7। कितना है? पॉजिटिव आया। तो अगला रूट हमारा कहाँ लाई करेगा? रूट कहाँ लाइज कर रहा है हमारा? जैसे हम चेयर सारे मेथड में पढ़ते हुए आ रहे हैं, रूट कहाँ लाई कर रहा है? इसके बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है, क्योंकि ये क्या आ गया? नेगेटिव आया, और ये क्या आया हमारा? पॉजिटिव आया। तो रूट कहाँ लाई कर रहा है? रूट लाइज बिटवीन 1 और 2। तो ये तो हमें पता लग गया कि रूट हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 और 2 के बीच में। बट हमें एक्स जीरो जो इनिशियल रूट है वो क्या लेंगे? तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, जो भी ये दोनों आए हैं ना, 1 और 2, 1 और 2, इनके बीच की वैल्यू ले लो। इनके बीच की वैल्यू क्या होगी हमारा? एक्स जीरो क्या हो जाएगा? 1.5। हम इनिशियल रूट क्या ले लेंगे यहाँ से? 1. इनिशियल रूट हमारा हो जाएगा 1.5। ये हमारा हो जाएगा, हमारा 1 और 2 के बीच में क्या होता है, दोनों का सेंटर हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल रूट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, 1.5। अब अगले स्टेप नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। ये तो हमारे रूट इधर तक का पता चल गया कि अगर रूट नहीं दे रखा तो हम इस तरह से निकाल लेंगे, अगर रूट दे रखा है तो हमारा क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएगा। अब ये पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? वी परफॉर्म सिंथेटिक डिवीजन। क्या बोला है? सिंथेटिक डिवीजन। अब ये आपने कहाँ पढ़ा था? ये आपने पढ़ा था बीएससी में, पढ़ा था आपने फर्स्ट ईयर में सिंथेटिक डिवीजन के ऊपर, हमारा पूरा एलजेब्रा मैथ है उसके ऊपर। तो इसमें क्या बोला? फर्स्ट एंड, पहले हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, एंड द अप्लाई द फॉर्मूला टू नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटन रूट। हमें क्या फॉर्मूला रहेगा? P1 = P0 - BN / CN - 1। ये हमारा रहेगा फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट। अब P0 क्या है हमारा? यहाँ से इनिशियल रूट जो हमने अभी फाइंड किया था, इनिशियल रूट जो हमने अभी फाइंड किया था हमने, ठीक है, कौन सा वाला? ये जो हमने अभी फाइंड किया था, ये वाला, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? P0। अब BN और बात आती है CN। ये आपको मैं अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ से पता लग जाएगा। दोनों बहुत ही ईजी है, दोनों बहुत ही ईजी है, एक मिनट में समझ में। इधर मैं सिंथेटिक डिवीजन मेरे को करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं सिंथेटिक डिवीजन है हमारा वो मैं अभी क्वेश्चन में करूँगा, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। अब सेम P1 तो निकल गया, P2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? P2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? P0 की जगह क्या आ जाएगा? P1 -BN / CN - 1। ये हमारा P2 के लिए आ जाएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेटन रूट के लिए आ जाएगा।
थर्ड के लिए क्या आएगा हमारा पी थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी टू माइनस बी एन अपॉन सी एन माइनस वन। ये हमारी जो बी एन सी एन है ना ये सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा, बस ज़्यादा पी जीरो उसकी जगह पी वन आ गया, पी वन है उसकी जगह पी टू आ गया, ये ध्यान रखना। कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना डेसिमल तक हमारा एक्यूरेट आने चाहिए तब तक हम रूट निकालते रहेंगे। अप्रोक्सीमेट रूट का थर्ड स्टेप और फर्स्ट स्टेप सभी क्वेश्चन में सेम है हमारा, लेस देन नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, एक लेस देन जीरो एक ग्रेटर देन वैल्यू आनी चाहिए, उनके बीच में रूट लाई करेगा हमारा और हम आगे सेम ऐसे फॉर्मूले हम पुट करते हुए चल रहे हैं। तो अभी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इधर से मैं एक क्वेश्चन लूंगा अभी, उसकी हेल्प से मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। ये दोनों मैं अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बाकी मैंने यहाँ पे ये पूरा क्लियर कर दिया आपको, ये जो इतना मैंने पढ़ाया ये इसमें पूरा मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने क्वेश्चन ले लिया है यूज ब्रिज विटा मेथड, यूज ब्रिज विटा मेथड टू फाइंड ऑल द पॉजिटिव रियल रूट्स राउंड ऑफ टू थ्री डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमें बताना है, थ्री डेसिमल प्लेसेस ऑफ द इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन दे दी x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये हमें एक इक्वेशन दे दी। तो इधर हमारा गिवन क्या है, इसी इक्वेशन को मैं एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो गया, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लैड कर लिया इधर से, ठीक है। ये मैंने यहाँ से इसी में सोल्यूशन से कर दिया। अब इसमें हमें पता नहीं इनिशियल रूट नहीं दिया, मैंने बताया था कुछ क्वेश्चंस में इनिशियल रूट हमें नहीं देता, तो हमें नहीं दिया तो हमें इनिशियल रूट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनिशियल रूट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू क्या क्या ले लेंगे, 0, 1, 2, 3, जब तक हमारा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा हम लेते चलेंगे, ठीक है। अब ये पहले ये इसका करके देख लेते, नहीं आएगा फिर हम आगे लेके देखेंगे। अगर हम 0 पुट करें इन सभी में तो इधर से हमारा ओनली क्या बचेगा, -15, ये क्या है हमारा नेगेटिव आया है। अब हम क्या करें, नेक्स्ट हम पुट करें 1, तो 1 पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 1, 7 प्लस 24 प्लस 1 माइनस 15, तो इधर से हमारा कितना आ जाएगा 33 माइनस 15, तो हमारा इधर से कितना बच जाएगा 18, तो ये से हमारा यहाँ से क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इधर से ये हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब रूट कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में हमारा क्या कर गया, रूट लाई कर गया, क्योंकि हमें यही कंडीशन चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए और एक पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से हमारा आ गया। और मैंने क्या बताया था, इधर क्या लिख देंगे, रूट आर लाइज बिटवीन 0 एंड 1 और सो इनिशियल रूट इज एक्स जीरो या पी जीरो, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो, फॉर्मूले में भी सेम पुट करना। तो पी जीरो की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, इन दोनों की मिड वैल्यू कितनी है, 0.5, दोनों का सेंटर 0 और 1 का मिड क्या है 0.5, तो मैंने वो सेंड इनिशियल रूट ले लिया, ठीक है। आप देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, इसके लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, अभी आपको बताया था क्या होगा हमारा, पी वन इज इक्वल टू पी जीरो माइनस बी एन अपॉन सी एन माइनस वन, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अभी इधर से पी जीरो की वैल्यू तो हमारे पास है, पी वन इज इक्वल टू 0.5 माइनस बी एन अपॉन सी एन माइनस वन, ये मैंने यहाँ से जो वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी। इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर लो, इक्वेशन 1 हमने ये ऐड कर लिया था, ठीक है। अब जो ये हमारा इक्वेशन है, कौन सा, ये वाला जो हमारा इक्वेशन है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं और इसी के द्वारा हम आगे चलते हैं, ठीक है। अभी हमारा सेम इक्वेशन रहेगा हमारा, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। यही हमारा इक्वेशन था 1, ठीक है, क्या था, यही हमारा क्या है इक्वेशन 1 था। अभी इसको हम क्या करेंगे, बाई सिंथेटिक डिवीजन, किससे करेंगे हम, बाई सिंथेटिक डिवीजन, हम बाई सिंथेटिक डिवीजन करेंगे इसको सोल्व। तो सिंथेटिक डिवीजन से, इसको सिंथेटिक डिवीजन आपने छोटी क्लासों में बोल रहा हूँ, बीएससी क्लास में पढ़ा था बाई सिंथेटिक डिवीजन, ये करना आना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा जो वैल्यू है इसके साथ जो इनका कोफिशियंट है, इसके साथ 1 है, इसके साथ हमारा 7 है, इसके पास 24 है, इसके पास 1 है, इसके पास माइनस 15 है। आप देखो सबसे पहले पावर बड़ी सबसे बड़ी का लिखेंगे, हमने लिख दिया 1, उसके बाद 4 से छोटी कौन सी है 3,
7 लिख दिया, 7 से 3 छोटी 24 लिख दिया, इससे छोटी कौन सी हमारी x, वो लिख दिया, फिर हमारा कांस्टेंट आ गया। और इधर हम किससे डिवाइड करते हैं, इनिशियल रूट P0 की वैल्यू कितनी थी हमारी 0.5। सिंथेटिक डिवीजन आपने पढ़ा होगा, बीएससी में नहीं पढ़ा तो अभी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा इसको। हाँ स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हमारा क्या होता, एक्स की पावर 4 प्लस 24 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15 होता, ठीक है। इधर मैं एक छोटा सा डाउट भी क्लियर कर देता हूँ, तो हम सिंथेटिक डिवीजन कैसे लिखते, 1, अब x की पावर से 4 सबसे बड़ी है, 3 हमारी नहीं है तो 3 की जगह हम 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 24, देन हम 1, देन प्लस 5, जैसे हम लिखेंगे, जनरल नहीं है उसकी जगह हम 0 लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसको आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ थी जो आपको समझ में आनी चाहिए, आगे कई क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे फिर बोलोगे सर गलत समझा दिया आपने। तो अब सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो हमारा 1 है, 1 के नीचे क्या कर देंगे डैश, ये 1 को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, फिर इस 1 की और इसकी क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5। तो इधर लिख देंगे हम इसके नीचे 0.5, आप दोनों को कुछ भी साइन नहीं तो हमेशा क्या होता है ऐड, तो इधर से दोनों को सम करेंगे तो 7.5 आ जाएगा हमारा यहाँ से। फिर हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को 0.5 मल्टीप्लाई 7.5, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इधर से आएगा 3.75। तो इधर हम 3.75 लिख देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27.75। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है हमारा 27.75 मल्टीप्लाई 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा इधर से 13.875। इसको हम इधर लिख देंगे 13.875 को, कि हमारा 1 है, ठीक है, दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.875। सिमिलरली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ तो हमारा क्या आ जाएगा 7.4375। इसको हम 15 माइनस का है, ये प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट होकर कितना माइनस का साइन आएगा 7.5625, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ गया है, अब मैं इनको रफ कर देता हूँ क्योंकि इनका काम अभी खत्म हो गया, अभी हम आगे स्टेप में फॉलो करेंगे इनको, ठीक है। तो हमारा अभी आगे बढ़ते हैं हम इसी क्वेश्चन में, ये तो आ गया हमारा पहला, इसको हम दो बार डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी जो हमारी ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ गई हमारी कौन सी, बी एन की वैल्यू आ गई, कौन सी वैल्यू आ गई, ये हमारी बी एन की वैल्यू, जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा था कि ये वैल्यू मैं बताऊंगा आपको कौन सी होती है, तो जो पहली बार डिवाइड करेंगे वो वैल्यू आएगी बी एन। अभी हम डिवाइड करेंगे यहाँ तक, ठीक है, ये आ गया हमारा बी एन। अब अगेन पहली टर्म को एज इट इज, अब इसको 0.5 से अगेन डिवाइड करेंगे, जो हमारा यही रहेगा इसी से बार बार करते रहेंगे यहाँ पे पहले रूट में, तो 1 आ गया। अब दोबारा करेंगे तो 0.5, सेम स्टेप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इधर से कितना हो गया हमारा 8। अब अगला करेंगे हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इधर से 4 आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 13.175 आ जाएगा। अगेन हम इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 15.875, और दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 30.750, ठीक है। ये इसका करेंगे नहीं हम, यहाँ तक ही करेंगे, क्या करेंगे हम, क्योंकि ये मैंने बताया था कि ये जितना है इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये बी एन आ गया, और ये जो हमारा आ गया ये क्या आ गया सी एन माइनस वन, ये क्या आ गया हमारा जो नीचे था ये वाली वैल्यू सी एन माइनस वन, ये वैल्यू आ गई हमारी सी एन माइनस वन की यहाँ से, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट बी एन एंड सी एन माइनस वन इन इक्वेशन टू में पुट कर देंगे हम यहाँ से, तो इक्वेशन टू हमारी क्या थी, देखो हमारी इक्वेशन टू क्या थी यहाँ से, ये हमारी इक्वेशन नंबर टू थी, यही थी हमारी इक्वेशन नंबर टू, इसको हम यहाँ पे एज इट इज ले लेते हैं, ये आ गई इक्वेशन नंबर टू यहाँ पे हमारी, यही थी इक्वेशन नंबर टू। अब इसमें पुट करते हैं, देखो 0.5 माइनस बी एन की वैल्यू कितनी आई है माइनस 7.5625 अपॉन में 30.750, ये हमारी सी एन की वैल्यू आई थी और ये हमारी बी एन की वैल्यू आई थी, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, तो हमारा आएगा 0.7459।
तो पी वन की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई, 0.7459। पहला रूट आ गया हमारा, हमें तीन डिजिट तक निकालना है, तीन डेसिमल हमारे सेम आने चाहिए तब तक निकालना है। अब ये तो पहला रूट हो गया इतना बड़ा, देखो अभी हम सेकंड रूट निकालेंगे, क्या होगा हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट। अभी ये कैसे होगा, सेम हमारा जैसे हमने अभी ये निकाला, जो हमारी इक्वेशन है कौन सी, ये वाली इक्वेशन जो हमारी सेम है, इसको हमारा अगेन फिर वही सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे हम, इसको क्या करेंगे हम सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे इसको सेम। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दोबारा ले ली, अब इधर अब हमारा P1 कितना आया था, क्या कितना आया था P1 कितना आया था हमारा, यहाँ पे हमें याद हो 0.7459 ये हमारा P1 आया था। अगेन अब P2 निकालना, हमें P2 निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, P1 - Bn / Cn - 1, ये हमारा सेकंड रूट निकालने का फॉर्मूला है। P1 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी है, 0.7549 - Bn / Cn - 1 ये हमारी है। ये दूसरी वैल्यू हमें फिर सिंथेटिक डिवीजन से निकालनी है। अब बोलो कि सर वो निकाला था वही वैल्यू ऐड कर देंगे, Bn और Cn की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब ये तो हमने इसके लिए निकाला था, अब हम निकालेंगे इसके लिए। अब हमारा जिस जब किससे डिवाइड किया था, P0 से किया था, अब किससे करेंगे हम, P1 से करेंगे। तो बाई सिंथेटिक डिवीजन सेम हमारा करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से हम, तो हमारा क्या आएगा, मैं इधर लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आप सिंथेटिक डिवीजन यूज कर रहा हूँ, तो हमारा कितना आ जाएगा सेम, इधर कितना आएगा 1, 7, 24, 1 and -15, इसको किससे डिवाइड करेंगे 0.7459 सेम एज इट इज, जैसे हमें अभी करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मैंने बताया था इसको एज इट इज लिखेंगे 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इधर से आ जाएगा 0.7459, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 7.7459। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और यहाँ लिखेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.7777, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29.7777, फिर इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे और यहाँ लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 22.2119, ये आएगा हमारा, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23.2119। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, अगेन इसके साथ करेंगे और इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा 17.3138, और ये माइनस का है और ये प्लस का है तो इनको दोनों को करेंगे हम तो हमारा इधर से कितना आएगा 2.3138, और जो हमारा ये आया है ये क्या आ गया हमारा Bn, सबसे लास्ट वाला क्या आता है हमारा Bn। अभी मैं इन सभी को रफ कर रहा हूँ और आगे अपना एक स्टेप और दो बार सिंथेटिक डिवीजन करना है हमें सोल्व। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेम जैसे लास्ट में किया था, अभी हम 0.759 से हम फिर करेंगे, ये हमारा क्या है P1 है तो हम ये हमारा सेम एज इट इज आ जाएगा नीचे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 0.7459, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8.4918, ये हमारा आएगा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इधर से कितना आ जाएगा 6.33406, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 36.11170। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 26.935717, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ से आएगा कितना 50.1469, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी Cn-1 की आ जाएगी, और ये सारी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, देखो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो P2 है क्या है, P2 0.7459
माइनस bn की वैल्यू कितनी आई हमारी 2.3138 अपॉन cn की वैल्यू कितनी आई 50.1469। इन सभी को क्या करेंगे हम यहाँ पे अभी सोल्व करेंगे, इन सभी को सोल्व करेंगे तो हमारी x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6998। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट। अब फर्स्ट हमारा क्या आया था उसके ऊपर बात कर लेते हैं अभी, इस पर नहीं रफ हो गया। ठीक है, ये हमारे दो रूट आ गए। P1 देख पे चेक करते हैं अभी, P1 और P2 सेम आया 4 डिजिट तक। देखो P1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0.7459 और P2 की वैल्यू कितनी है 0.69, तो हमारा बिल्कुल मैथ नहीं हो रहा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अगेन ऐसे ही सिंथेटिक डिवीजन से ऐसे ही करके हम अभी किससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये भी मैं आगे सेम स्टेप मैं इधर डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी ऐसे ही करके नहीं दिखाऊंगा, सेम स्टेप आपको खुद करना है आगे। तो यहाँ पे मैंने देखो थर्ड जो अप्रोक्सीमेशन रूट था वो पूरा यहाँ पे निकाल है, सेम फॉर्मूला यूज किया मैंने। क्या फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे हमने, P3 = P2 - BN / CN मैंने ये लिखा। अब P2 की वैल्यू आपको पता था, P2 की हमारी ये वैल्यू आई थी, मैंने ये एडिटिज लिख दिया बाई सिंथेटिक डिवीजन। मैंने इक्वेशन नंबर 1 का सेम लिखा यहाँ पे और डिवाइड किसे कर दिया, जो हमारा P2 आया था उससे डिवाइड किया। सिंथेटिक डिवीजन का यूज अपने अभी मैंने सिखा दिया आपको, ये पूरा कहाँ से आया जो मैंने अभी आपको सिखाया था, ये वहाँ से, ये मैंने पूरा अभी सिंथेटिक डिवीजन जो आपको पीछे सिखा था वारंग दो बार मैंने सिखाया है वो सेम है हमारा यहाँ पे, ये वही है हमारा। ठीक है, तो अभी हमारा ये आ गया bn की c1 की वैल्यू आ गई, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारा p3 कितना आएगा, P3 = 0.6998 - 0.0905 / 46.2429। ये आया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0.6978। अभी मैच करके देखो, ये हमारा कौन सा आया है, P3 आया है, ये कौन सा आ गया हमारा, P3 आ गया। P2 हमारा क्या आया था, हमें यही देखा था, P2 हमारा ये था। दोनों मैच हो रहे हैं हमारे, दो डिजिट तक मैच हो रहे हैं हमारे। हमें कहाँ तक, कितने डिजिट तक मैच करने के लिए बोला था क्वेश्चन में, 3 डिजिट तक मैच करने के लिए बोला था। देखो मैं आपको कितने डिजिट तक बोला था, 3 डिजिट तक बोला था हमारा यहाँ पे, तो हमारा 2 डिजिट तक हो गया। तो सेम हम एक बार और मैं ऐसे ही फोर्थ अप्रोक्सीमेटरी रूट आपको इधर से निकाल के इधर दिखा देता हूँ आपको डायरेक्ट, और आपको आगे देखना क्या होता है हमारा। तो स्टूडेंट देखो, मैंने यहाँ पे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट तो हमारा जो फॉर्मूला था P4 = P3 - BN / CN - 1 निकाल लिया है, और यहाँ पे हमारी जो P3 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, और ये हमारा हो गया। मैंने सेम सिंथेटिक डिवीजन से अपना जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था वो हमने सेम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये कर लिया है, क्या ये कर लिया है। इसको करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें हमारी B1 की वैल्यू भी आ गई और हमारी किसकी वैल्यू भी आ गई, यहाँ पे CN की वैल्यू भी आ गई। अभी हम पुट कर देंगे इसमें, इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा P4 क्या आएगा यहाँ से, 0.6978 - BN की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है 0.000475 / ये कितना आया है हमारा 46.078926। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.6978, ये हमारा आएगा। ठीक है, ये हमारा आएगा यहाँ पे। अब रूट मैच करो, P3 ये है हमारा, P4 कौन सा आ गया, ये हमारा P4। अब चेक करो P3 और P4 सेम आ रहे हैं हमारे। देखो P3 हमारा 0.6978 आ रहा है, और ये भी कितना आ रहा है 0.6978। तो हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा हो जाएगा यहाँ पे सो अप्रोक्सीमेट रूट इज 0.6978, ये हमारा है अप्रोक्सीमेट रूट, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट। तो हमें क्वेश्चन में 3 डिजिट तक पूछा था, लेकिन हमारा 4 डिजिट तक हमारा करेक्ट आ रहा है बिल्कुल, तो यही हमारा क्या हो गया 4 डिजिट तक हमारा करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट्स। होपफुली आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा पक्का, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा था नहीं, ये चीज़ें तो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको कि मैं एक क्वेश्चन में बताऊंगा, तो ये मैंने होपफुली आपको यहाँ पे बता दिया है दोनों चीज़ें, कि ये क्वेश्चन में मैंने दोनों समझाने की कोशिश किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इस प्रकार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और क्वेश्चन में कुछ किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। और इसका पूरे का जो मैंने पढ़ाया है इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और पूरी प्लेलिस्ट चाहिए न्यूमेरिकल एनालिसिस की तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।